यीशु के बाबरकत जलाली और फजल नाम में आपकी सलामती हो। आप देख रहे हैं बाइबल क्वेश्चन आंसर यूट्यूब चैनल। तो जी, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम खुदा के कलाम को साइंस की ज़बानी सुनेंगे कि कैसे साइंस ने खुदा के कलाम को, खुदा के कलाम की गवाही दी, और कैसे साइंस ने बयान किया कि खुदा का कलाम सच्चा है, हक है, बरहक है, सच है। तो आज हम साइंस की गवाही सुनने जा रहे हैं, तो साइंस हमें क्या बताती है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा सवाल है, वो पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से है। आयत कुछ यूँ है, और खुदा ने रोशनी को दिन कहा और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। तो एक दिन कितने घंटे का है, ज़मीन पर वो कितने घंटे का है, और आसमान पर खुदा के मुताबिक कितने घंटे का है। क्योंकि सवाल ये पैदा होता है हमेशा, बहुत से लोगों ने ये सवाल किया है कि खुदा ने 6 दिन में ज़मीन व आसमान को बनाया, तो क्या 6 दिन आज जैसे आज हमारे गुजरते हैं, 1 दिन 24 घंटे का, तो क्या तब भी 1 दिन 24 घंटे का था जब खुदा बयान करता है कि 6 दिन में ज़मीन आसमान और कायनात को बनाया। तो चलें जी, आज हम साइंस की तरफ बढ़ते हैं, कैसे वो खुदा के कलाम को प्रीच करती है और खुदा के कलाम को बयान करती है। ज़बूर 90 बाब और उसकी 4वीं आयत यूँ मरकूम है, क्योंकि तेरी नज़र में 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुज़र गया, जैसे रात का एक पहर। तो कलामे खुदा दाऊद नबी की मार्फत ये सालों, हज़ारों साल पहले बयान कर चुका है कि खुदा के मुताबिक टाइम वो नहीं जो ज़मीन का है, मतलब खुदा के मुताबिक आसमान के मुताबिक टाइम और है, और ज़मीन के मुताबिक टाइम और है। दोनों टाइम जो है वो मुख्तलिफ हैं, यानी कि खला में अगर बात करें आसमान में तो वहाँ का टाइम और है, और ज़मीन के बात करें तो ज़मीन का टाइम और है। तो आए हम देखते हैं साइंस इसको किस अंदाज़ में बयान करती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास न्यूटन एक ऐसा साइंसदान, एक ऐसा साइंटिस्ट गुजरा है जिसने ये दावा किया था कि टाइम जो है वो एब्सोल्यूट है। टाइम आसमान पे भी एक है, ज़मीन पे भी एक है, हर जगह पे टाइम एक है। जबकि उसके बाद जब आइंस्टाइन आए, तो आइंस्टाइन ने, उन्होंने बताया कि टाइम जो है वो रिलेटिव है। रिलेटिव से मराद टाइम, खला, टाइम और स्पेस दोनों एक चीज़ हैं, ठीक है। उन्होंने बताया कि खला में मौजूद घड़ियाल का पेंडुलम ज़मीन पर मौजूद घड़ियाल के पेंडुलम की रफ्तार एक सी नहीं है। यानी उनके कहने का ये मतलब है कि आसमान का टाइम और आसमान पे मौजूद, खला में मौजूद किसी भी सियारे का टाइम ज़मीन के टाइम से मैच नहीं करता, एक सा टाइम नहीं है। ये टाइम डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, कि ऑब्जेक्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि जैसे मैं ज़मीन पे हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन है, और ज़मीन के एतबार से जो टाइम है वो एक अलग है। और जब हम चाँद पे जाते हैं तो मेरे एतबार से, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चाँद मेरा ऑब्जेक्ट है, तो उस चाँद पे और टाइम होगा। और उसके बाद खला में किसी भी सियारे पे चले जाएं तो वहाँ पे उसके हिसाब से ही टाइम होगा। आइंस्टाइन ने यह तजवीज़ किया। आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम जो है वो रिलेटिव है, मेरे हिसाब से मेरा है, आपके हिसाब से आपका है। इसकी मैं एक मिसाल देना चाहूँगा। एक दो पर्सन को हम लेते हैं, एक पर्सन का नाम हम ए रख लेते हैं और दूसरे पर्सन का नाम हम बी रख लेते हैं। मैं ये मिसाल ज़मीन पर मौजूद टाइम की देना चाहूँगा। तो एक मैं दोनों पर्सन को कहता हूँ कि आपने मुल्तान से लाहौर आना है। अब दोनों को एक साथ मुल्तान से लाहौर के लिए रवाना मैंने कर दिया, और जब वो एक साथ वहाँ से रवाना हुए तो मैं जब यहाँ पर लाहौर में पहुँचे तो मैंने ए से पूछा, भैया आपको कितना टाइम लगा लाहौर आने में, तो मुल्तान से लाहौर आने में कितना टाइम लगा। जब मैंने ए से पूछा, ए ने बताया कि मुझे जो टाइम दरकार था वो 10 घंटे का था। जब मैंने बी से पूछा तो बी ने एक हैरत अंगेज जवाब दिया, उसने कहा कि मुझे 1 घंटा लगा। तो ये वजह क्या है कि ए के हिसाब से, उसके डायफ्राम के हिसाब से, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से 10 घंटे है, और बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से 1 घंटा है। तो आइंस्टाइन ने कहा था कि वक्त को स्लो करने के लिए आप स्पीड बढ़ा दें। आपकी अगर स्पीड ज़्यादा है तो जैसे जैसे आपकी रफ्तार, यानी जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो आपका स्पीड, आपका टाइम जो है वो स्लो हो रहा है। क्योंकि वेलोसिटी और ग्रेविटी दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है
टाइम के, ठीक है, तो दोनों ही स्पीड ऑफ टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ेगी और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब कि जैसे जैसे रफ्तार बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम स्लो होता जाएगा। तो टाइम स्लो, टाइम जो स्लो हुआ, जो बी के लिए स्लो था, वो उसकी रफ्तार ज़्यादा थी क्योंकि वो बाय द एयर आया था, जहाज़ के ज़रिए आया था, क्योंकि जहाज़ की स्पीड ज़्यादा है, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वही सफ़र, जितना सफ़र ए के लिए था उतना सफ़र बी के लिए था, लेकिन स्पीड में कम या ज़्यादा होने की निस्बत से उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, उनके हिसाब से वक्त गुजरा। तो वही वक्त 10 घंटे का वक्त वो बाय द रोड आया था, गाड़ी के ज़रिए आया था, इसलिए उसको 10 घंटे लगे थे। तो इस मिसाल से ये साबित होता है कि टाइम जो है वो डिपेंड करता है स्पीड पे, कि जितनी आपकी स्पीड होगी टाइम उतना ज़्यादा स्लो होता जाएगा। तो साइंस ने और आइंस्टाइन ने ये तजवीज़ किया और ये कहा कि अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि एक ऐसी मशीन बना लेते हैं, एक ऐसी चीज़, ऐसी गाड़ी बना लेते हैं कि जिस की रफ्तार रोशनी की रफ्तार के बराबर हो, रोशनी की रफ्तार के आसपास हो, तो हम को जो टाइम बिल्कुल ज़ीरो लगेगा। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ज़मीन, अगर हम रोशनी की रफ़्तार के बराबर एक ऐसा जहाज़ या एक ऐसी चीज़ बना लेते हैं जिसकी रफ़्तार रोशनी की रफ़्तार के बराबर हो, तो हमें ज़मीन उस गाड़ी पे बैठ जाएं, उस जहाज़ पे बैठ जाएं, तो हम 1 सेकंड में ज़मीन के 7 चक्कर लगा सकते हैं, इतनी ज़्यादा स्पीड है रोशनी की। तो अगर इसकी एक और मिसाल दूं तो रोशनी की स्पीड के मतलब के सूरज से लेके ज़मीन तक का जो फासला है वो 143 मिलियन किलोमीटर है, तो ये फासला रोशनी जो है वो सिर्फ 8 मिनट में तय करती है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि अगर हम रोशनी की स्पीड जैसी स्पीड, अल्टीमेट स्पीड पा रहे हैं, तो हमारे लिए वक्त जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, वक्त जो है वो शून्य हो जाएगा। तो ये आइंस्टाइन ने ये बात कही, और फिर उसने अगली बात ये कही कि स्पीड बढ़ाने से, रफ्तार बढ़ाने से और उसके बाद ग्रेविटी बढ़ाने से भी वक्त स्लो होता है। ग्रेविटी की मिसाल आपको दूं तो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी ये है कि जैसे हम आसमान में कुछ चीज़ उछालते हैं तो ज़मीन पर वापस क्यों आती है, ये इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और ये हमारी ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो ज़मीन की तरफ खींचती है, इसको ग्रेविटी कहते हैं। तो जैसे जैसे जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना ज़्यादा टाइम स्लो होगा। तो अब वक्त स्लो कैसे होगा, क्योंकि हमारे ज़मीन के मुताबिक जो वक्त चल रहा है वो ज़मीन की ग्रेविटी के मुताबिक चल रहा है, और अगर हम किसी और बड़े प्लेनेट पे चले जाएं जो ज़मीन से भी बड़ा है, बहुत बड़ा है, उसकी ज़्यादा ग्रेविटी है, वहाँ पे टाइम और ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो हम ज़मीन के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ज़मीन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, तो हमारे पास जो आज घड़ियाँ मौजूद है वो ज़मीन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ज़मीन का अर्थ का टाइम है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम देखें कि कलामे खुदा में इस बात को, कलामे खुदा से रोशनी डालें, तो इसी फार्मूलाज को हम कलामे खुदा से कंपेयर करें, अप्लाई करें, तो रोशनी की रफ़्तार, जितनी रफ़्तार साइंस ने आज तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाई, कोई चीज़ आजाद नहीं की जिसकी रफ़्तार रोशनी की रफ़्तार के बराबर हो, लेकिन हमारा खुदा जो कायनात का खुदा है, वो खुदा वाहिद जो है, उसके मतलब लिखा है कि वो हर जगह मौजूद है, वो 1 सेकंड में यहाँ पे है और दूसरी सेकंड में कहीं और, दुनिया के दूसरे कोने कायनात के कहीं और। तो ज़बूर में लिखा है, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किथे जावा, हमारे पास ज़बूर है, इस ज़बूर जब हम ये पढ़ते हैं, जब हम ये गाते हैं, तो मेरे ईमान को तकवीत मिलती है कि खुदा सबसे ज़्यादा कायनात में, सबसे ज़्यादा रफ्तार रखने वाला, सबसे बालातर कादिम मुतलिक है, तो वो रोशनी का मौजूद है, तो रोशनी से ज़्यादा स्पीड रखता है, इसलिए उसके लिए टाइम कोई मायने नहीं रखता। तो अब अगर हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो ज़मीन की ग्रेविटेशनल की फोर्स के मुताबिक हमारा टाइम जैसे गुजरता है, इसी तरह अगर हम देखें तो खुदा के मुताबिक क्या होगा, खुदा के मुताबिक तो पूरा कायनात, पूरी यूनिवर्स, जब अभी कुछ था ही नहीं, जब अभी कोई यूनिवर्स, कोई चीज़ क्रिएट हुई नहीं थी, जब अभी स्टार्ट ही था, ठीक है,
तो जब स्टार्ट ही था ना, को ग्रेविटी थी, कुछ भी नहीं था, तो तब टाइम को हम कैसे तयन कर सकते हैं? क्योंकि तयन तो हम तब करेंगे जब हमारे पास ग्रेविटी होगी, रफ्तार होगी, रोशनी होगी, तो पुमाइश होगी, तो हम कर सकते हैं। जबकि ये चीज़ें नहीं थी, तो तब हम जब अभी कायनात को खलक किया गया, जब खुदा ने अभी रोशनी पहली आयत में जब हम पढ़ते हैं और खुदा ने ज़मीन आसमान को पैदा किया, तो जब अभी ज़मीन आसमान को उसने बनाया था, यानी कि एक स्केच खींचा था, ठीक है, तो एक स्केच जब खींचा गया, उसके बाद फिर ऐसा ऐसा सारी चीज़ें, ज़मीन को उसने खूबसूरत बनाया, उस पर घास फूस और दरख्त और सब चीज़ें उगाई, पहाड़ बनाए और इंसान को बनाया और परिंदे बनाए, ज़मीन को खूबसूरत किया, और उसके बाद उसने देखा कि आसमान को उसने सारी चीज़ें आसमान की बनाई। तो पहले दोनों चीज़ें उसने आसमान और ज़मीन को, यानी कि एक खाका खींचा, एक एक ड्रा एक पेंटिंग को जैसे हम ड्रा करते हैं, तो वो ड्राइंग बनाए। तो जब अभी तभी कुछ भी नहीं था, तो हम टाइम का कैसे तायन कर सकते हैं? तो साइंस जब कहती है कि ज़मीन को बने इतने 4.5 अरब साल हो गए हैं, तो ये हो सकता है, क्योंकि 4.5 अरब साल भी हो सकते, क्योंकि कायनात को तख्लीक होने में वक्त का तायन हम नहीं कर सकते कि खुदा ने 6 दिन में, तो वो 6 दिन, क्योंकि कलाम खुदा कहता है आसमान के मुताबिक टाइम और है, ज़मीन के मुताबिक टाइम और है, और साइंस ने इस बात को प्रूव कर दिया कि वाकया ही खुदा का कलाम सच है, हक है, बरहक है। और इस बात से मेरे ईमान को तकवीत मिलती है, उम्मीद है कि आपके ईमान को भी तकवीत मिली होगी, क्योंकि खुदा का कलाम आज जो हम पढ़ते हैं, इस पे हमें ईमान लाने की ज़रूरत है, क्योंकि यही कलाम है जो ज़िंदगी बख्शता है। तो आप भी इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत हासिल करें। तो साबित ये हुआ कि कलाम ने जो कहा था 1000 साल पहले, आज 100-150 साल पहले आइंस्टाइन ने वो बात आयन मुताबिक कर दी कि आसमान का टाइम और है और ज़मीन का टाइम और है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं ना, तो सब्सक्राइब करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाएगी, और वो खुद ब खुद आपके YouTube पेज पे आ जाएगी। ओके, फिर विश यू बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।